सुजलॉन एनर्जी इंडिया के अंदर नंबर वन कंपनी है विंड सेक्टर के अंदर, और 33% मार्केट शेयर की साथ साथ कंपनी के अंदर एक लीडर पोजीशन होल्ड करके रखा है। और इंडियन विंड सेक्टर आगे आने वाले 8 साल में अपना पावर कैपेसिटी को यहाँ पे 3.5 गुना और बढ़ाने वाला है। तो ये जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होने वाला है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, दो इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जिसमें से एक होगा अच्छी बातें जो सुजलॉन एनर्जी के हित में है, और एक होगा नेगेटिव बातें जो सुजलॉन एनर्जी के फेवर में नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं दो बातें सुजलॉन एनर्जी के बारे में जिसे आपको जान लेना चाहिए अगर आप इसके अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पास ये है। कंपनी का ऑर्डर बुक से, ऑर्डर बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और कंपनी के पास कितना पावर है वो दर्शाता है कंपनी का ऑर्डर बुक से। अगर ऑर्डर बुक के ऊपर ग्रोथ आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी आगे आने वाले क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा करने वाला है। तो अगर आप ऑर्डर बुक को डिटेल्स में देखते हैं तो रिसेंट ऑर्डर बुक के अनुसार कंपनी के पास आगे आने वाले 5 क्वार्टर का जो कैपेसिटी है, यानी कंपनी कामकाज करके देगा, तो वो ऑर्डर बुक ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप Q2 रिजल्ट आने तक देखेंगे तो ये और भी आगे तक ले जा रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल ही देखेंगे तो ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी के अनुसार। तो सेंट्रल ऑप्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो सेंट्रली कंपनी को ऑर्डर मिला है सुजलॉन एनर्जी को, वह है 417.9 गीगावाट का। और ये जो ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, और सेंट्रल जो ऑप्शन होता है उसके द्वारा ये ऑर्डर मिलता है। स्टेट के द्वारा भी बहुत सारे ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को मिलता है, जैसे कि स्पेशली साउथ एंड वेस्ट के द्वारा ज्यादातर मिलता है, तो वो मिला है 56.7 गीगावाट का। कैप्टिव रिटेल एंड पीएसयू, यानी कि कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर के अंडर जो कंपनीज आते हैं उसके द्वारा मिलते हैं। रिटेल यानी कि कोई भी बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियल हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, तो ये कंपनी के द्वारा भी कंपनी को बहुत सारा ऑर्डर मिलते हैं। तो उसका देखेंगे तो आंकड़ा तो वो है 284.6 गीगावाट। तो तीनों को मिला देते हैं तो September 2022 तक कंपनी के पास 60 मेगावाट के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक यहाँ पे मौजूद है। और रिजल्ट आने तक कंपनी को और भी 200 मेगावाट के आसपास कंपनी को नया ऑर्डर बुक मिला है। और कंपनी का कहना है कि बहुत सारा पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे कंपनी के साथ बात कर रहे हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट है और भी ऑर्डर बुक मिलने का इसका चांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और ये जो स्ट्रॉन्गनेस है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर का इसका सिक्योरिटी भी दे रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। कर्जे की बात करते हैं, जहां पे 2020 में 13,000 करोड़ का कर्जा था, मार्केट कैप से भी ज्यादा, उसको कंपनी रिस्ट्रक्चर करने के बाद कंपनी के पास 2021 तक 6,373 करोड़ का कर्जा ही मौजूद था। 22 में और भी कम कर दिया, फर्स्ट हाफ 23 में सब पे आउट करने के बाद कंपनी के पास 2,723 करोड़ का ही कर्जा मौजूद था। तो आप देख पा रहे हैं किस तेजी से कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत तरीके से। यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा जो अपना शेयर है उसको डाइल्यूशन किया गया है, और स्पेशली राइट इशू के बाद, आपको पता होगा सुजलॉन एनर्जी रिसेंटली एक राइट इशू लाया था, उसके बाद कंपनी का जो कर्जे का सिचुएशन है वो है 2,139 करोड़। तो राइट इशू के दौरान भी कंपनी जो पैसा रेज किया था वो कंपनी पे आउट भी किया है।